नमस्कार, तुम देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। तो मैं रवि मिश्रा। इस वेले की वड्डी खबर जी चंडीगढ़ तो सामने आ रही है, जिथे चंडीगढ़ दे विच एक सड़क हादसे दे विच माँ बेटे की मौत हो गई है। जी हाँ, तुम दस दिए कि राजस्थान के गंगानगर तो यह परिवार जिहड़ा है चंडीगढ़ लिए एक अंतिम संस्कार लिए आ रहे थे, तो अचानक ही रास्ते दे विच सड़क हादसा हो जाता है, जिस दे विच माँ बेटे की मौके पर मौत हो गई है। तो तुहानू मौके की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिथे यह भयानक सड़क हादसा वापरिया, जिस दे विच कार दे प्रखच्चे तक उड़ गए ने। दसिया जा रहा है कि परिवार जिहड़ा है गंगानगर चंडी राजस्थान के गंगानगर तो जिहड़ा है चंडीगढ़ किसी परिवारक दे अंतिम संस्कार ते आ रहा सी, तां अचानक ही एक ओवरब्रिज ते एक सड़क कार का जिहड़ा संतुलन वह विगड़ जाता, जिस दे करके यह सड़क हादसा वापर जाता, जिस दे विच जिहड़े माँ बेटे की मौत हो गई है। तो तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं, जिते यह सड़क हादसा वापरिया, जिस दे विच कार एक जिहड़ा चल रहा सी, तां अचानक ही संतुलन विगड़न दे करके कार जिहड़ी है डिवाइडर दे नाल टकरा जाती है, जिस दे विच मौके ते ही दोनों माँ बेटे की मौत हो गई है। तो तस्वीर तुम दिखा रहे हैं, जिते लगातार ये हादसे जड़े ने वापर रहे हैं, तो परिवारक का रो रो के बुरा हाल है। उत्थे मौके पर पुलिस जड़ी है पहुंची हुई है, लगातार इस हादसे का जी है जायजा लै रही है। तां इस तुम दस दिए कि इस मौके पर जोड़े परिवारक मैंबर वालों भी जोड़ा किया गया है कि परिवार जोड़ा है एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार लिए राजस्थान तो गंगानगर तो जोड़ा ये चंडीगढ़ जा रहा है, तो रास्ते दे विच तपा मंडी दे कोल यह सड़क हादसा वापरिया, जिस दे विच उना दे भरा जिहड़े ने गुरविंदर सिंह और उना दी माता जिहड़ी है उना सड़क हादसे विच उना दी मौत हो गई है, जिस दे विच गंभीर रूप विच सट्टां भी लगियां। पहले सिविल हस्पताल उना नू दाखल करवाया गया, जिस दे विच उना दी मौत हो गई है। तो मौके पर मौजूद पुलिस मुलाजम के परिवारक वाल मैंबरों वालों की कहा गया, एक बार तुहानू वह भी सुना दिंदे। इधर से बड़े भाई साहब से और माता जी से। अच्छा, किधर आ रहे, किधर जा रहे थे? गंगानगर आ रही थी, गंगानगरों चंडीगढ़ जा रही थी। बड़े सिस्टर है, उन्होंने सास जो मदर इला थी, वो संस्कार था जी। अच्छा जी, मरने एक प्लेस ही होता। अच्छा जी, ऐसे बड़े 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 भाई साहब भी नाल से जो ठीक है, उन्होंने नाल दो दो भरा से नाल बड़े भाई साहब जो नाल से उन्होंने फोन किया। अच्छा जी, ਇਹ ਸੁਬਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਥਾਣਾ ਤਪਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜੋ ਕੈਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੰਬਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਬਾ ਜਲਦੀ ਦੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਬਰੀਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਰਨਾਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ IO ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਗੇ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ ਦਾ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ। ਅਤੇ ਸਰ ਬੋਟੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਰਨਾਲੇ ਆ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੋਟੀਆਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ